नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्राइम 24 और मैं हूं नवीन। तो चलिए शुरुआत करते हैं नवादा से इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। नवादा से एक बड़ी खबर आ रही है जहां दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दिया है। घटना स्थल से एक जिंदा कारतूस, एक पिस्टल सहित दो खोखा बरामद किया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जी हां, बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े हत्या जैसी संगीन अपराध को अंजाम देकर इलाके में सनसनी फैला दिया है। सूत्रों के मुताबिक मृतक की पहचान हिसुआ थाना क्षेत्र के बुधौल निवासी दीपू सिंह के रूप में की गई है। बताया जाता है कि मृतक को गांव का ही रहने वाला किसी रोशन नाम का युवक ने फोन कर बुलाया था। मृतक अपने घर में दोस्त से मिलने की बात कहकर निकला था, काफी देर तक घर नहीं लौटा। किसी अज्ञात से गाँव में फोन पर जानकारी मिली कि दीपू को हत्या कर सौ नदी किनारे पुल के नीचे फेंका है। मृतक के परिजनों ने हत्या का आरोप रोशन पर लगाया है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की तहकीकात में जुटी है और रोशन की तलाश कर रही है।